दोस्तों, आज है गुरुवार और यहाँ पर मैं की हूँ पूजा। और सुबह की पूजा है फ्रेंड। और सुबह की क्या पूजा है, अभी बज चुके हैं 11। और क्योंकि सुबह से इतना सुबह मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना रहता है, हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना रहता है, तो सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तो फिर मैं फुर्सत में होती हूँ, तो फिर किचन वगैरह साफ़ करके नहा धो के इतना काम करते करते तो मुझे 10 या 11 बज जाता है फ्रेंड। और पूजा करने के बाद यहाँ पर मैंने लगाया है पीला वाला चंदन सर में, क्योंकि अभी धूप वगैरह में हम लोगों ने काम किया था तो सर मेरा बहुत भारी भारी हो रहा था। तो मैं पूजा की तो सोची कि थोड़ा सा पीला चंदन लगा लूँ, आराम मिलेगा। और बहुत ही आराम मिला है फ्रेंड लगाने से चंदन को, और बहुत ही ठंडक मिल रही थी। तो यहाँ पर मैं लगा के और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड? आई होप फ्रेंड आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड। और आ गई हूँ एक छोटे से न्यू ब्लॉग के साथ। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, और मेरी वीडियो आप लोग फुल वॉच करिएगा फ्रेंड। आप लोग वीडियो फुल वॉच नहीं करते हैं और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, और मैं 2 साल से परेशान हूँ फ्रेंड। और मैं रोज़ नए नए ब्लॉग लेकर आती हूँ और आप लोग पसंद नहीं करते हैं और वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मेरा सपोर्ट करिए फ्रेंड। और आप लोग समझ सकते हैं, एक हाउसवाइफ के लिए रोज़ ब्लॉग बनाना, बच्चों को देखना और अपनी पढ़ाई लिखाई करना और बाहर का भी काम करना कितना मतलब टफ़ रहता है। तो फिर भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ और जैसा भी मेरे से बन पाता है वैसा मैं आप लोगों को मतलब दिखाती हूँ, अपना जो डेली का रूटीन रहता है और जो भी कुछ खास रहता है तो मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करती हूँ फ्रेंड। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए फ्रेंड। और आज है डे गुरुवार फ्रेंड, और मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी है आज गुरुवार के दिन। और फिर अभी शाम का टाइम है फ्रेंड, और अभी बज चुका है 6:30 और मैं हूँ छत पर। और देखिए ये हमारी स्वीटी बैठी हैं और इनको चाहिए पैसा, ये आई है मम्मी से पैसा मांगने के लिए। नमस्ते करो, आप लोगों से नमस्ते करिए फ्रेंड। और ये बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं इनको, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए इनको खाने के लिए दुकान का, और घर का इनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वही आ रही हैं मेरे से मांग रही हैं पैसे कि मम्मी पैसे दीजिए। और अभी मैं हूँ फ्रेंड छत पे, और देखिए तो हल्का हल्का सा अंधेरा हो रहा है। तो मैं बहुत देरी से आई हूँ, तो बैठी थी ऐसे ही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आज। तो मैं बैठी थी और कुछ थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं कही अच्छा थोड़ा सा मैं व्लॉग ही शूट कर लूँ। बैठे बैठे रात हो गया तो मैं कह रही हूँ कि व्लॉग शूट कर लूँ थोड़ा थोड़ा। अभी देखिए सूरज डूब गए हैं और इधर कपड़े वगैरह भी सुबह से सूख रहे हैं। तो आई थी उतारने के लिए तो बैठी हूँ, बैठी ही रह गई। और ना फ्रेंड आज अभी शाम हो गया है बहुत, और मैं छत पे बैठी थी तो बैठी ही रह गई। और आज रजाई गद्दा वगैरह जो था अब तो खेत का काम ख़त्म हो गया है, तो रजाई गद्दा वगैरह जो है तो अभी मैं रख तो दी थी पूरा, तो फिर से बारिश वगैरह हो गया था तो फिर से हम लोगों ने निकाल लिया था यूज़ करने के लिए। तो फिर से इधर देखिए सब है, और यहाँ से वहाँ तक डाले हैं और सब रखना है अभी बक्से में। तो मैं आई रखने के लिए छत पे, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, तो मैं बैठी तो बैठे ही रह गई। और अभी मैं जा रही हूँ रखूँगी सारा और चलते हैं फिर नीचे। तो और ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी मैं जा रही हूँ, ये सब यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है, सब रख लूँगी और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और फिर मैं अभी जाऊँगी किचन में, किचन में देखिए क्या बनता है, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड। और अभी 32 का फॉर्मूला चल रहा है, देखिए अभी थोड़ा सा कुछ, वैसे तो मैं 32 का फार्मूला फ्रेंड कर ही रही हूँ, मगर सुबह अभी खेतों का काम शुरू हो गया था
तो अभी मैं कुछ सुबह का जो होता है योगा वगैरह, तो सूर्य नमस्कार और पानी वगैरह लेना, तो सुबह गर्म पानी लेना, तो ये सब मैं ले नहीं पा रही थी क्योंकि ये सारे काम शॉर्ट में ही निपटा के किचन वगैरह का, बच्चों का जाना होता था खेत, तो अभी सारा कुछ बंद था और फिर खाना भी जल्दबाजी में ही खाकर आधा आधा अधूरा जाते थे, तो इस समय तो कम मतलब पूरी तरीका से बंद नहीं था, मगर कुछ ही चल रहा था 32 का फॉर्मूला, मगर पूरी तरह से नहीं चल रहा था। तो अब मैं खाली हो गई हूँ, तो अभी मैं 32 का फार्मूला फिर से शुरू करूँगी, 32 के फार्मूले की जर्नी। तो जो भी होगा मेरा एक्सपीरियंस सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फ्रेंड, और मैं मतलब जो भी रहता है आप लोगों के साथ मैं ओरिजिनल शेयर करती हूँ, और कुछ लोगों के जैसा मतलब करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, तो वैसा। और फिर उसके बाद फ्रेंड मैं छत पर का काम निपटा कर और आ गई थी किचन में, और किचन में देखिए आते ही किचन में शुरुआत होती है चाय से, और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय। और जब भी मैं किचन में आती हूँ सुबह के टाइम या शाम के टाइम, तो पहले मेरी शुरुआत होती है चाय से, तो यहाँ पर मैंने रख दी थी चाय, और चाय रखने के बाद थोड़ा सा ही चाय बनाई हूँ केवल अपने लिए, और यहाँ पर दूसरे साइड में मैंने रख दिया है चावल धुल के, और क्योंकि आज है फ्रेंड गुरुवार और आज मैं बनाऊंगी कढ़ी और चावल। तो ये है बेसन जो कि काफ़ी दिनों का आके रखा हुआ है, करीबन एक महीना का ये बेसन रखा हुआ है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं कढ़ी चावल बनाऊं। तो यहाँ पर मैं सारी तैयारी कर ली हूँ, और मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो मैं आज खड़े होके नहीं बनाऊँगी, मैं सारा कुछ उतार के सारा सामान डिब्बे नमक हल्दी और जो भी चाहिए और सारा कुछ मैं उतार के फ्रेंड नीचे लेकर बैठ गई थी, और धीरे धीरे बना रही हूँ किचन में खाना। और बेसन काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो मैं बेसन को सारा बेसन है जो एक थाली में छान ले रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं मन किया कि बेसन का चीला बनाएं, तो पहली बार मैं बना रही हूँ चीला यहाँ पर, और एक या दो चीला बनाई थी मैं, और एक बच्चों के लिए बनाई थी और एक अपने लिए बनाई थी। तो फिर मैं चीला बनाई तो चीला ज़्यादा हो गया और बच्चे सो गए, तो फिर मैं कही कि अब इतना ढेर सारा क्या होगा, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैं एक चीला तो खा लिए, एक चीले में सब लोग खा लिए, मिंटू मैं और सिटी, और दूसरा जो था उसका मैं बना दी सब्जी, और जो मैं कढ़ी बनाने के लिए कह रही थी तो कढ़ी वाला प्लान थोड़ा चेंज हो गया, तो मैं बेसन के चीले का सब्जी बना दी, और जो बचा उसको हम लोगों ने खा लिया। और देखिए फ्रेंड मैं और देखिए फ्रेंड यहाँ पर बन रही है मेरी सब्जी, और यहाँ पर लहसुन और प्याज को मैं और मसाले को भून दी हूँ, मसाला इधर मेरा भून के तैयार हो रहा है, और दूसरी साइड मैंने आप लोगों को दिखाया कि चीला मेरा बन गया था। तो मसाले को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इधर थोड़ा भून रहा है मसाला, और दूसरी साइड में सब्जी को थोड़ा सा ही बनाना था, तो इधर जो चीला है थोड़ा सा ही, तो उसको मैं यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में मैं तोड़ के रख ले रही हूँ। और इधर सिंपी मेरी सो गई थी, तो सोने के बाद जब बच्चे सोने के बाद जब उठते हैं ना तो बहुत ही परेशान करते हैं, मेरे बच्चे तो बहुत परेशान करते हैं। देखिए ये उठी हैं तो इनको अंगूर चाहिए, ये रो रही हैं कि अंगूर चाहिए मुझे, तो इनके पापा लाए थे तो मिंटू और सिटी खा लिए और इनके लिए नहीं रखे हैं, तो फिर यहाँ और यहाँ पर वो उठी थी तो परेशान कर रही थी, तो मैं थोड़ा सा चीला रखी थी एक टुकड़ा, तो दे रही हूँ मैं कि लो बेटा यही ले लो खा लो, तो नहीं कह रही है कि मुझे अंगूर ही चाहिए, तो मैं कह रही हूँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए ला दूँगी। तो फिर मैं फ़ोन दी और चीला वगैरह दी और किसी तरह उनको मनाई तो मानी है। और ये वाला क्लिप है फ्रेंड शाम के टाइम का, तो ये लोग पढ़ाई करते हैं तो मैं थोड़ा सा इन लोगों के पास बैठी थी, तो ये लोग पढ़ते कम हैं मस्ती ज़्यादा करते हैं। देखिए बाबू का सोए पानी पी रहा है, तो वही सिंपी उसके ऊपर पानी गिरा दी, तो दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं, और मैं डांट रही हूँ कि मान जाओ
बदमाशी मत करो, और जब थोड़ी देर तक बैठी रहूँगी तो तब तक तो ये लोग पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद मैं जब आ जाती हूँ किचन में तो फिर इन लोगों की बदमाशी शुरू हो जाती है। और सिंपी और मिंटू दोनों बहुत झगड़ा करते हैं देखिए, और दोनों आपस में पैर चिपका के और कह रहे हैं कि वो मेरे पास ला रही है, वो मेरे पास ला रही है। और फ्रेंड उसके बाद उधर मेरी सब्जी बन रही थी, चावल बन चुका है और सब्जी मेरी बन रही थी, और ये लौकी देखिए कितनी पतली सी है और मुलायम है, और इस समय लौकी बहुत ही अच्छी अच्छी आ रही है फ्रेंड। तो लौकी बहुत ही अच्छी थी, तो बाबू मेरा कह रहा है कि मम्मी लौकी की पकौड़ी बनाइए, तो मैं कह रही हूँ कि आज तो खाना बन चुका है, अब लौकी की पकौड़ी मैं कल बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ सलाद की, और ये जो खीरे हैं तो इस समय खीरे भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, मुलायम मुलायम, और कुछ टाइम बीत जाता है तो खीरे पके पके आने लगते हैं, तो बीज रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर ग्रेवी मेरी पक चुकी थी, मसाला पक गया था, तो उसमें मैं जो बेसन का मेरा चिल्ला था तो मैं डाल दी हूँ। और फ्रेंड जब भी बेसन की सब्ज़ी बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, जब ग्रेवी हमारी पक जाती है मसाला, तो उसके बाद से जो रहता है बेसन का तो टुकड़ा तो उसमें डालते हैं, तो इसको ढकना नहीं चाहिए। जब ढक देते हैं तो फिर क्या होता है कि जो बेसन रहता है ना वो घुल जाता है इसमें, तो अच्छा नहीं लगता है। और जो पीस पीस है तो वो जब घुलता नहीं है तो ऐसे अच्छा लगता है। और सिंपी मान गई थी, तो फिर उसके बाद से वही जो चिल्ला रखा हुआ था तो मांग के खा रही हैं। तो यही था फ्रेंड मेरा आज का ब्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा।